पे सिक्योरिटी थ्री लेयर में है, एक अंदर उनकी पर्सनल है, बाहर जो आपको बाउंसर दिख रही है और सबसे बाहरी जो कॉर्डन है वो राजस्थान पुलिस का है। कितने राजस्थान पुलिस के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं और ये फोर्ट के इर्द गिर्द कितने लोग हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट किस तरीके का रहेगा कुछ? इस फोर्ट में मुख्य तीन गेट हैं और तीनों गेटों पे हमारा एक चार का जाप्ता है, एक दस का जाप्ता हमने रिजर्व थाने पे रखा हुआ है और बाकी जरूरत के हिसाब से जैसे भी जरूरत होती है हम प्रिफर कर देते हैं। वीआईपी मूवमेंट की जानकारी नहीं है अभी? कोई मैम कल एसपी साहब ने भी यहाँ का दौरा किया था क्या, किस तरह का डिप्लॉयमेंट है? नहीं अभी महल के अंदर कोई मैम कल एसपी साहब ने भी कोई पीएमओ के अधिकारी आरएस को लेकर कोई दौरा किया था क्या? नहीं एसपी साहब का कोई ऐसा दौरा नहीं था, उनका शायद व्यक्तिगत उनको इन्विटेशन होगा या तो मैम मेरे को जानकारी नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी मेहमान की कोई आने की कोई खबर हो? मुझे कोई खबर नहीं। जो कोई भी आ रहा है उसकी जाँच वगैरह आप लोग भी कर रहे हैं या प्राइवेट गार्ड्स कर रहे हैं? केवल जो आ रहे हैं गाड़ियों की उनके हमें नंबर अवेलेबल करा रखे हैं तो नंबरों को देख के जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो जांच कर रहे हैं कि कोई हथियार लेके ना जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। बाकी जो मेन गाड़ियों की चेकिंग है वो इनके गार्ड्स के द्वारा। तो क्या दिल्ली से कोई मोदी कैबिनेट से या कोई सुनने में आ रहा था कि दिल्ली से कुछ मेहमान है जिनको सिक्योरिटी आपको देनी है वो लोग आ रहे हैं? नहीं अभी हमें इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू।